रहीम अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड नंबर 57 के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एपिसोड नंबर 57 में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या क्या देखने को मिलेगा। ड्रामा के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों इस किस्से के शुरू में आप देखेंगे कि तैमूर के सिपाहियों ने तुर्गत और बामसी को पकड़ा हुआ है। तैमूर अपने सिपाहियों के साथ हेमा खानम के खेमे के सामने खड़ा हुआ है। हेमा खानम तैमूर से कहती हैं, तैमूर क्या मसला है? इसके जवाब में तैमूर कहता है कि अर्तुगरुल का सिपाही दुहान कल मेरे बाबा की कातिल गुलबानों को कबीले से बखा कर ले गया है। जिस पर अर्तुगरुल कहता है कि जब आपको दुहान मिलेगा तो आप जो चाहें उसके साथ कर सकते हैं। आपने तुर्गत और बामसी को क्यों पकड़ा हुआ है? अगर आप अपने इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकते फौरन मेरे सिपाहियों को छोड़ दो। फिर हेमा खातून तैमूर से कहती हैं, तैमूर याद करो जब तुमने पिछली बार मेरे बेटे और इसके सिपाहियों पर इल्ज़ाम लगाया था उस वक्त तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम्हें मौत से किसने बचाया था? फिर वो अब्दुलरहमान से कहती हैं कि तुर्गत और बामसी के हाथ खोल दो। ये सुनकर अब्दुलरहमान तुर्गत और बामसी की तरफ जाता है तो तैमूर के सिपाही उसे रोक लेते हैं, जिस पर गुंदुक्तु कहता है कि दुहान ने जुर्म किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। फिर मजीद वो कहता है कि बजायर बामसी और तुर्गत ने कोई जुर्म नहीं किया इसलिए इनके साथ ऐसा रवैया रखना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इसके बाद तैमूर अम्मा हेमा से कहता है कि अम्मा हेमा अब मेरी बात सुने। इस पर हेमा खातून कहती हैं, हरगिज नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है मेरे सिपाहियों के हाथ खोल दो, फिर मैं तुम्हें अपने खेमे में आने की दावा देती हूँ और उसके बाद तुम जो कुछ कहोगे मैं सुनूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। इस पर तैमूर अपने सिपाहियों को इशारा करता है और वो अब्दुलरहमान के रास्ते से हट जाते हैं, जिसके बाद अब्दुलरहमान तुर्गत और बामसी की रस्सियाँ खोल देता है। फिर तैमूर कहता है कि अम्मा हेमा मैं दुहान और गुलबानों को तलाश करके आपके पास लाऊंगा और मुझे उम्मीद है आप इंसाफ करेंगी। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि दुहान और गुलबानों गनी की गार पे बैठे हुए हैं जबकि शेख इब्नुल अरबी भी उनके पास मौजूद हैं। दुहान उनसे कहता है कि हजूर अगर इजाजत हो तो अब हम अपने सफर पर निकलना चाहते हैं, जिस पर इब्नुल अरबी कहते हैं कि हिम्मत ना हारना, अगर अर्तुगरुल ने कोई मंसूबा बनाया हुआ है तो वो उस पर जरूर अमल करेगा और उसके बाद वो दुहान और गुलबानों को दुआएं देकर रुखसत कर देते हैं। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि तैमूर अपने खेमे में बहुत गुस्से में है और वो कहता है अर्तुगरुल ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इसी दौरान तैमूर का सिपाही सफदर वहां आता है। कबीला अब तुम्हारे हवाले है, अर्तुगरुल वो कबीला कभी मत छोड़ने देना और उन पर नजर रखना। दोस्तों इसके बाद तैमूर गुलबानों और दुहान के पीछे जाने की तैयारी करता है और इसी दौरान मेहरदीन तैमूर के पास आता है और तैमूर से कहता है हुजूर इनके पीछे आप मत जाएं, ये मसला गुंदुक्तु को बतौरे सिपाहियों के सरबराह हल करने दें और जब अर्तुगरुल कबीले में मौजूद हो तो आपको कबीला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि हेमा खातून अपने खेमे में सरदारी नशीस पर बैठी हुई हैं और उनके पास अर्तुगरुल सुमर तकीम और हलीमा सुल्तान भी मौजूद हैं। इसी दौरान वहां सिलजान खातून आती है और वो कहती है अर्तुगरुल साहब मैं तैयार हूँ, जिस पर अर्तुगरुल सिलजान खातून से कहता है सिलजान खातून अपने खेमे में मेरे पैगाम का इंतजार करें और फिर वो सिलजान खातून को आलिया और महदीन के खिलाफ अपना मनसूबा बताता है और फिर वो सिलजान खातून को एक पहाड़ी का नाम बताता है और कहता है कि आप गुलबानों को इस पहाड़ी पर मिलेंगी। फिर वो मजीद कहते हैं कि तबीब आरिफ भी गुंजा गुल को किसी न किसी तरीके वहाँ पर भेज देंगे और आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके दरमियान और गुलबानों के दरमियान जो गुफ्तगू होगी गुंजा गुल उन्हें लाजमी सुने। गुलबानों आपसे कहेगी वो कल आपको इस बात का सबूत लाकर देगी कि सरदार खुशनूद और ममानी नूरों को आलिया ने कत्ल किया था। जब गुंजा गुल ये सुनेगी तो वो जरूर आकर आलिया को बताएगी और फिर आलिया यकीनन जब हम चाहेंगे आपको और गुलबानों को कत्ल करने के लिए वहां जरूर जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि तैमूर महदीन के साथ अपने खेमे में खड़ा है। इसी दौरान वहां गुंदुक्तु आता है, मुझे ये बेहतर लगता है कि दुहान और गुलबानों को पकड़ने के लिए आप जाएं, जिस पर गुंदुक्तु कहता है तैमूर साहब आपका ख्याल मुनासिब है, मैं उन दोनों को जल्द ही तलाश करूंगा और आपके पास लेकर आऊंगा। दूसरी जानब आप देखेंगे कि दुहान और गुलबानों जंगल में एक जगह से गुजर रहे हैं। इसी दौरान दुहान और गुलबानों अपना घोड़ा रोक लेते हैं। दुहान गुलबानों से कहता है कि हमें यहाँ निशानात छोड़ने होंगे ताकि सिपाही हमें तलाश कर सकें। गुलबानों दुहान को एक कपड़े का टुकड़ा देती है तो
दुहान उसे निशानात के तौर पर वहाँ पे छोड़ देता है। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि हैमा खातून के सदारी खेमे में हैमा खातून अर्तगल और सुमत अकीम मौजूद हैं। अर्तगल कहता है कि मैं दुहान को ऐसी जगह लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ पर उसे तलाश किया जा सके ताकि गुंदुक्तू भाई खैरियत से उसे कबीले वापस ला सकें। इस पर सुमत अकीम कहता है कि अर्तगल चलो अब इस काम का पूरा करने का वक्त आ गया है। जिसके बाद वो दोनों खेमे से निकल जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तगल तबीब आरिफ के पास उनके खेमे में खड़ा है। अर्तगल तबीब आरिफ से कहता है आपने गुंजा गोल को करियान पहाड़ी की तरफ भेजना है। जिस पर तबीब आरिफ कहते हैं जोर आप फिक्र न करें मैं गुंजा गोल को वहाँ भेज दूंगा। इसी दौरान वहाँ तुरगत और बामसी आते हैं। तुरगत अर्तगल से कहता है गुंदुक्तू भाई कबीले से निकलने के लिए तैयार हैं। अर्तगल अपने सिपाहियों के साथ तबीब आरिफ के खेमे से बाहर आता है। तैमूर के सिपाही अर्तगल के सिपाहियों पर नजर रखे हुए होते हैं। ये देखकर अर्तगल मुस्कुराता है और इस्तंबल की तरफ जाता है और अपना घोड़ा निकाल कर कबीले से बाहर निकल जाता है। ये देखकर तैमूर के सिपाही भी जल्दी से अपने घोड़े निकाल कर अर्तगल के पीछे जाते हैं। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि तबीब आरिफ आलिया के खेमे में उनका इलाज कर रहे हैं और उनके पास गुंजा गुल भी बैठी हुई है। तबीब आरिफ आलिया से कहते हैं जहर आपके जिस्म से मुकम्मल तौर पर नहीं निकला। अगर ये जहर आपके जिस्म से मुकम्मल तौर पर नहीं निकलता तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। आलिया कहती है तबीब आरिफ तो फिर हमें क्या करना होगा। जिस पर तबीब आरिफ कहते हैं आपका इलाज खारदार घास है मगर ये घास बहुत ही नायाब है। ये घास सिर्फ कारियान की पहाड़ी पर पाई जाती है। जिस पर गुंजा गुल कहती है तबीब आरिफ मैं जाऊंगी और वो घास मैं लेकर आऊंगी। जिस पर तबीब आरिफ कहते हैं कि ठीक है गुंजा गुल तुम जड़ी बूटियां इकट्ठी करके मेरे पास लेकर आओ। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तगल अपने घोड़े पर सवार झाड़ियों के पास से गुजर रहा होता है और वहाँ उसे सुमत अकीम मिलता है। सुमत अकीम अर्तगल से कहता है भाई मैं शिकार पर जा रहा हूँ और देखता हूँ तुम्हारे घोड़ों के निशानात मेरे पास कौन सा शिकार लाते हैं। और फिर अर्तगल वहाँ से चला जाता है और सुमत अकीम अर्तगल के घोड़ों के निशान वहाँ से मिटा देता है। इसके बाद सुमत अकीम अपने घोड़े पर बैठकर दूसरी तरफ रवाना हो जाता है। दोस्तों इसी दौरान वहाँ तैमूर के सिपाही आते हैं और वो मिटे हुए निशानात देखकर वहाँ रुक जाते हैं और इसी दौरान तैमूर के सिपाही सफदर की नजर उन निशानात पर पड़ती है जो सुमत अकीम के घोड़े के थे। सफदर कहता है कि अर्तगल इस तरफ गया है और फिर वो अपने घोड़ों पर बैठकर उस तरफ रवाना हो जाते हैं जिस तरफ सुमत अकीम गया हुआ था। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि सुमत अकीम झाड़ियों में पहुंचकर अपना घोड़ा रोक लेता है और वो अपने घोड़े से नीचे उतर आता है। इसी दौरान तैमूर के सिपाही जो अर्तगल को तलाश कर रहे होते हैं जब वो वहाँ पहुँचते हैं वो सुमत अकीम को देखकर हैरान हो जाते हैं। जब सुमत अकीम तैमूर के सिपाहियों को देखता है तो उनसे कहता है तुम लोग परेशान क्यों हो गए हो क्या तुम लोग किसी की तलाश में हो। जिसके जवाब में सफदर कहता है कि हजूर हम किसी की तलाश में नहीं हैं। हम तैमूर साहब के कहने पर निगरानी कर रहे हैं। फिर सुमत अकीम उनसे कहता है ठीक है जाओ जाओ और जब शिकार करने के लिए जाओ तो इस बात का ख्याल रखना तुम लोग खुद शिकार न बन जाना। इस पर तैमूर के सिपाहियों को बहुत गुस्सा आता है जिसके बाद सुमत अकीम अपने घोड़े पर बैठ कर वहाँ से रवाना हो जाता है। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि तुरगत उस जगह जाता है जहाँ दिली दमीर तलवारें बनाया करते थे। वहाँ जाकर तुरगत को अपनी मरहूम बीवी आयकस और दिली दमीर की बहुत याद आती है और फिर तुरगत को मंगोलों के जुल्म याद आते हैं। जिस पर तुरगत कहता है गम खत्म हो गया बाबा हम इन जालिमों पर रहम नहीं खाएंगे जिन्होंने इन जमीनों को हमारे लिए कैदखाना बना दिया है। इसके बाद आप देखेंगे कि दुहान और गुलबानो एक जगह पर बैठे हुए हैं। इसी दौरान वहाँ अर्तगल आता है। अर्तगल को देखकर दुहान और गुलबानो खड़े हो जाते हैं। दुहान कहता है कि भाई आपके कहने के मुताबिक मैंने अपने निशानात छोड़ दिए हैं। गुंदुक्तू भाई जल्द ही अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पहुँच जाएंगे। इसके बाद अर्तगल गुलबानो से कहता है गुलबानो खातून क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या करना है। जिस पर गुलबानो कहती है कि हजूर दुहान ने मुझे सब कुछ बता दिया है। फिर अर्तगल कहता है सिलजान खातून गुंजा गुल को करियां लेकर आएगी तुम भी वहाँ जाओगी और तुम सिलजान से कहोगी कि मुमानी नूरो और सरदार खुशनूद के कत्ल का सबूत लाओगी। तुमने सिलजान खातून से इस लेजे में बात करनी है कि गुंजा गुल इसे सच समझे। जिस पर गुलबानो कहती है कि हजूर मुझे दुहान की फिक्र है गुंदुक्तू भाई दुहान को कबीले लेकर जाएंगे तैमूर साहब के गुस्से से इसको कौन बचाएगा। जिस पर अर्तगल कहता है कि गुलबानो अगर दुहान तुम्हारे साथ हुआ आलिया कभी करियां नहीं आएगी इसलिए ये जरूरी है कि तुम वहां अकेली जाओ। फिर अर्तगल मजीद कहता है तुम फिक्र ना करो गुंदुक्तू भाई और अम्मी हैमा दुहान को कुछ नहीं होने देंगे। इसके बाद गुलबानो अपने घोड़े पर बैठकर वहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद अर्तगल दुहान से कहता है कि हमारे सामने गुंदुक्तू भाई और तैमूर जैसे दो बहिम्मत और बहादुर आदमी हैं।
लिहाजा हमारा काम आसान नहीं होगा। इसके बाद अतकल दुहान से गले मिलता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि दुकतू अपने सिपाहियों के साथ एक जगह पर मौजूद है। वो अपने सिपाहियों से कहता है कि कुछ सिपाही दाएं तरफ चले जाओ और कुछ सिपाही बाएं तरफ चले जाओ। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि साजिशी महदीन अपने खेमे में मौजूद है और इसी दौरान वहाँ सादुद्दीन कोपैक का एक सिपाही आता है और वो महदीन से कहता है कि मैं अमीर सादुद्दीन कोपैक का खत लाया हूँ। महदीन पूछता है कि क्या अमीर सादुद्दीन कोपैक कोनिया में है, जिस पर वो सिपाही कहता है नहीं जनाब, वो करवा सिराय में है। इसके बाद महदीन उस सिपाही को वहाँ से निकल जाने का इशारा करता है। दोस्तों इसके बाद महदीन सादुद्दीन कोपैक का खत पढ़ता है। खत पढ़कर महदीन बहुत खुश हो जाता है और उसके बाद महदीन आलिया के पास आता है और वो आलिया से कहता है कि आलिया हमारी तमाम तर कोशिशें आज रंग लाएंगी, हमारी किस्मत जाग जाएगी। अमीर सादुद्दीन कोपैक इलाके के तमाम सरदारों को एक जगह पर इकट्ठा करेगा और मेरी हुकूमत का बाकायदगी से ऐलान करेंगे। ये सुनकर साजिशी आलिया बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो तैमूर के खेमे में जाता है और उससे कहता है कि मुझे अमीर सादुद्दीन का खत मौसूल हुआ है। आज उन्होंने इलाके के तमाम सरदारों को एक अहम मामले पर बात करने के लिए कारवां सिराय में बुलाया है। जिस पर तैमूर कहता है कि महदीन साहब कौन सा अहम मामला है, जिस पर महदीन कहता है जूर अभी तो मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं है, मैं खुद इस बारे में सोच रहा हूँ। जिस पर तैमूर कहता है कि ठीक है महदीन साहब, हम जरूर जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि हैमा खातून अपने खेमे में मौजूद हैं। इसी दौरान वहाँ महदीन आता है और वो हैमा खातून से कहता है मीर सादुद्दीन कोपैक ने तमाम बड़े तुर्क सरदारों को आज रात करवां सिराय में बुलाया है। जिस पर हैमा खातून कहती है कि ठीक है महदीन साहब, कई कबीले वाले दावत का जवाब देंगे। जिसके बाद महदीन वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि दुहान एक जगह पर बैठा हुआ है और इसी दौरान तैमूर के आने वाले सिपाही दुहान को हर जगह से घेर लेते हैं। ये देखकर दुहान अर्तगल के बनाए हुए मंसूबे के मुताबिक वहाँ से भाग जाता है और तैमूर के सिपाही दुहान के पीछे भागते हैं। दुहान थोड़ी देर भागने के बाद अपनी तलवार फेंक देता है और तैमूर के सिपाही दुहान को पकड़ लेते हैं। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि गुलबानो अपने घोड़े पर सवार जंगल से एक जगह पर गुजर रही है और गुंदुकतों के सिपाही उसके पीछे आ रहे हैं। इस पर गुलबानो गुंदुकतों के सिपाहियों को धोखा देने के लिए अपने घोड़े से उतर जाती है, घोड़े को दूसरी तरफ भगा देती है और खुद जंगल में जाकर छुप जाती है। जब गुंदुकतों के सिपाही वहां से गुजर जाते हैं तो गुलबानो वहां से भागने के लिए उठती है और इसी दौरान वहां एक सिपाही आ जाता है और उस सिपाही और गुलबानो के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। गुलबानो उस सिपाही को जख्मी करने के बाद जमीन पर गिरा देती है और खुद वहाँ से भाग जाती है। जख्मी सिपाही जोर से आवाज लगाता है गुलबानो यहाँ है। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि गुलबानो जंगल में भाग रही है और गुंदुकतों का सिपाही तीर और कमान लेकर गुलबानो के पीछे भाग रहा है और वो गुलबानो से कहता है गुलबानो रुक जाओ, और जब गुलबानो नहीं रुकती तो गुंदुकतों का सिपाही तीर कमान में डालकर गुलबानो को मारता है जो गुलबानो के पीठ में जाकर लगता है और गुलबानो जमीन पर गिर जाती है। लेकिन इससे पहले गुंदुकतों का सिपाही वहां पर पहुंचता गुलबानो उठकर वहां से भाग जाती है। गुलबानो भागते भागते उस जगह पर आती है जहाँ उसका घोड़ा खड़ा होता है और गुलबानो अपने घोड़े पर बैठ कर वहाँ से भाग जाती है। दोस्तों इस किस्से के आखिर में आप देखेंगे कि अमीर सादुद्दीन कोपैक कारवां सिराय में बैठा हुआ है और उसके पास महदीन भी बैठा हुआ है। कोपैक महदीन से कहता है तो आखिरकार सरदार खुशनूद की जिंदगी खत्म हो गई और तैमूर नया सरदार बन गया। जिस पर महदीन कहता है मेरी बहन आलिया सरदार खुशनूद की जगह पर मौजूद हैं। जिस पर कोपैक कहता है कि तुमने तो तैमूर के खेमे को पूरी तरह से घेरा हुआ है। वो मजीद कहता है कि अगर तैमूर ने तुम्हारे खिलाफ बगावत कर दी फिर तुम क्या करोगे। जिस पर महदीन कहता है फिर मैं तैमूर का भी वही हाल करूंगा जो मैंने उसके बाप का किया था। फिर सादुद्दीन महदीन से कहता है मुझे गुंदुकतों के बारे में बताओ, गुंदुकतों मेरी बेटी से शादी करने वाला है और वो भी मेरी मुट्ठी में है। कोपैक कहता है कि तुम एक एक करके मुझसे किए गए तमाम वादे पूरे कर रहे हो। कोपैक मजीद कहता है कि अगर तुम्हें गुंदुकतू और तैमूर की हमायत हासिल है मुझे दूसरे सरदारों से मशवरा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सरदारों को बताऊंगा कि मैंने नई हुकूमत के लिए तुम्हें सरदारों का सरबराह मुंतखब कर दिया है। कोपैक मजीद कहता है कि आज की रात तुम्हारे लिए जश्न की रात होगी। फिर महरदीन अमीर सादुद्दीन कोपैक के हाथ का बोसा लेता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले किस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।